नमस्कार, जय हिंद। एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं अदिति राठौड़ आपके साथ। कभी कभी हमारे सामने ऐसे मामले आ जाते हैं जिन्हें जानने के बाद हर किसी का सर चकरा जाता है। हाल ही में एक ऐसा वाक्य पुलिस के साथ हुआ है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहां पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो अपने ही पिता की हत्या करने के जुर्म में 7 साल से फरार था। आखिर क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई? कैसे मिली पुलिस को सफलता? आखिर ऐसा क्या है जिसे जानकर इंसान रह जाता है हैरान? देखिए एनबीसी न्यूज 24 के साथ ये पूरी कहानी। दरअसल ये कहानी हिम्मत उर्फ कालू की है, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। ये शख्स लावारिस स्थिति में राजधानी जयपुर की सड़कों पर घूमता रहता था। उसे अपने शरीर के बारे में कोई सुध नहीं थी। इसी दौरान ये कालू अगस्त 2018 में अपना घर संस्थान को मिल गया। यहाँ बिछड़े लोगों को अपने परिवार से मिलाने वाली संस्था लास्ट फाउंड पर्सन से उसकी काउंसलिंग कराई गई तो वह महज अपना नाम और जम्मू का निवासी बता पाया। इसके बाद उसके परिवार की तलाश की गई। मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब जम्मू पुलिस ने उसकी हकीकत बताई। जब हिम्मत की हकीकत का पता चला तो एक बार लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जम्मू पुलिस के अनुसार हिम्मत सिंह हत्या का आरोपी साल 2012 से फरार है। इतना ही नहीं, ये शख्स नशे की हालत से भी ग्रसित था। उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। हिम्मत की हकीकत जानकर अपना घर आश्रय के सदस्यों की हिम्मत कमजोर हो गई। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। जैसे ही जम्मू पुलिस को इसकी सूचना मिली तो फरार आरोपी हिम्मत को लेने के लिए जम्मू पुलिस की एक टीम जयपुर पहुंची और बस से स्थित अपना घर आश्रम पर पहुंची और हिम्मत को हिरासत में ले लिया और जम्मू के लिए रवाना हो गई। हालांकि इस मौके पर अपना घर आश्रम और लास्ट फाउंड पर्सन अभियान के लोगों ने पूर्ण सम्मान के साथ उसकी विदाई की। वहीं इस दौरान अपना घर सेवा समिति के सचिव सीताराम शर्मा, मैनेजर नरेंद्र और लास्ट फाउंड पर्सन अभियान के संस्थापक राहुल शर्मा, श्वेता जाजू और अतुल सहित कई सेवादार उपस्थित रहे। अगर आप भी इस संस्था से जुड़कर समाज सेवा करना चाहते हैं और मिलाना चाहते हैं बिछड़े लोगों को अपनों से, तो lastfoundperson.com पर जाकर अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। हालांकि संस्थान ने तो अपना काम कर दिया और हिम्मत को पहुंचा दिया अपनी जगह, लेकिन ये घटना आम इंसान को भी सोचने पर मजबूर करती है और ये संदेश पैदा करती है कि जिसे हम लावारिस समझ रहे हैं वो कहीं अपराधी तो नहीं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार। सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।